हार्दिक से मिलना चाहूंगा, हार्दिक और मैं साथ खड़े हो जाएंगे, सबका हार्दिक अभिनंदन हो जाएगा। हार्दिक मैं चाहता हूँ आप सबसे पहले, हार्दिक आप आ जाइए। तो इस सारी स्टारकास्ट के लिए ये हार्दिक है, नहीं पहले यहाँ पे आ जाओ, ये हार्दिक है, मैं अभिनंदन हूँ। ओके एंड म्यूजिक डायरेक्टर लियाकत अजमेर। पहले तो गुड इवनिंग, मैंने ये पहले भी कहा है, थैंक यू सो मच मीडिया, आप यहाँ पर आए हैं और हमारी फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, आप ही हैं जो हमारी फिल्म ऑडियंस तक लेके जाएंगे, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर। हम ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, हमारी फिल्म बाहर आ रही है तो हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। ये फिल्म हमने बहुत ही ज़्यादा दिल से मेहनत से बनाई है, सो वी आर ऑल वेरी वेरी एक्साइटेड। आई स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर टीम, हम बहुत ही खुश हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं कि ये फिल्म बाहर आ रही है और आज हम ट्रेलर ऑन लॉन्च करने वाले हैं और बस यही उम्मीद है कि आप सबको पसंद आए और हमें सपोर्ट कीजिए एंड जितना हो सके हमारे ट्रेलर को ऑडियंस तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए ताकि हमारी जो मेहनत है वो रंग लाए और थैंक यू सो मच। इस ट्रेलर लॉन्च के मौके पर मैं ये कहना चाहूँगा, इस फिल्म को मैंने दो बार देखा है और ये बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनी है। चूँकि मैंने इसको बहुत ध्यान से और गौर से देखा है, इस वजह से मैं ये विशेषण इस्तेमाल कर रहा हूँ कि बहुत बेहतरीन फिल्म है, ये वाकई बहुत अच्छी फिल्म है। और इस फिल्म ने दिल को छुआ है मैं, और हमारे जो मित्र हैं, हमारे डायरेक्टर अरशद सिद्दीकी ने बहुत ही मेहनत से इस फिल्म को लिखा है, बहुत ही मेहनत से इसके गाने लिखे हैं। गाने आप सब आप जानते हैं, गाने लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और इस फिल्म को बहुत ही मेहनत के साथ बनाया है, बहुत ही सहेज के एक एक शॉट्स बहुत ही सोच विचार करके, और इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही इतना क्रिस्प है। एक बहुत बड़ा मैसेज दो कम्युनिटीज़ को जोड़ने की कोशिश इस फिल्म के द्वारा की गई है। मैं ये मानता हूँ कि अरशद का अब तक का जो भी फिल्म मेकिंग का काम है उसमें ये उनका बेस्ट काम है। मैंने उनको बोला भी और उन्होंने ये बात स्वीकार भी की। सो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की मदद से इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका मैसेज पहुँचाया जाए। इस फिल्म के बारे में जो कुछ भी आप कह सकें, जो कुछ भी आप आगे बढ़ा सकें, ज़रूर बढ़ाएं ताकि इस फिल्म को एक मुकाम मिले। इस तरह की फिल्मों को ज़रूर एक बड़ा मुकाम मिलना चाहिए, क्योंकि ये एक संदेश लेके जा रही हैं, एक समाज में एक संदेश लेके लोगों तक, लोगों को एक बेहतरी के लिए, एक समाज की बेहतरी के लिए इस तरह की फिल्में बनती हैं। सो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से इस फिल्म के बारे में आगे कहें। थैंक यू वेरी मच। देखिए, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूँ लेकिन अभी थोड़ी बात ही करूँगा। सबसे पहले तो मेरी अनेकों अनेक हार्दिक शुभकामनाएँ, शुभ निकाह की पूरी टीम को, अरशद भाई को, और आज ट्रेलर लॉन्च है और खुशी मुझे इस बात की है और बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अरशद भाई ने एक बेहतरीन सब्जेक्ट चुना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है, जैसे कि सब जानते हैं कि कंटेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, अरशद भाई ने बहुत बेहतरीन कंटेंट चुना और उस उतनी ही खूबसूरती से इस फिल्म को अरशद भाई ने बनाया। और मुझे खुशी इस बात की है कि मैं भी इस फिल्म का हिस्सा हूँ और एक बहुत बेहतरीन मैसेज जो इस फिल्म में अरशद भाई ने दिया है वो है कि जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। ये बहुत खूबसूरत बात इस फिल्म के माध्यम से अरशद भाई ने कही है। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा। थैंक यू। शुभ निकाह क्रॉस कल्चर लव स्टोरी है, एंटरटेनिंग फिल्म है, एक हैप्पीनेस, टुगेदरनेस और पीसफुल मैसेज देती है। वसुधैव कुटुंबकम, सारा विश्व एक परिवार है, वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, यही एक मैसेज है शुभ निकाह में कि प्यार में कोई बैरियर, कोई लैंग्वेज, कोई रिलीजन,
ये सब कुछ होता नहीं है। बड़े बड़े फिलोसफर्स ने, सेंट्स ने, हमारे पूर्वजों ने यही कहा है। उसी चीज़ को मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ, उसी चीज़ को मैं नए ढंग से प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और एक नई परिभाषा तो है प्रेम की हमारे कल्चर में, और नए दौर नए युग के साथ यूथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली फिल्म है, बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है। ट्रेलर देखिए, आपको अंदाज़ा होगा। हाँ, इसमें ये ज़रूर है कि मीडिया से मैं ये सपोर्ट ज़रूर मानूंगा कि जब कोई नई चीज़ आती है तो थोड़ी सी अटपटी ज़रूर लगती है, लेकिन बाद में अगर आप उसे लोगों तक पहुँचाते हैं, समझाते हैं अच्छे ढंग से, अगर आप उनको बताते हैं तो बात समझ में आ जाती है। हमें जो है वो अनेकता में एकता है, यूनिटी है, इसी बात को कहनी है। और इसी बात को फिल्म के माध्यम से भी सोसाइटी को जो देना है वो यही देना है, यही मैसेज देना है। और बाकी प्रोड्यूसर साहब, देखिए हम लोगों ने फिल्म देखी, फिल्म बहुत ही अच्छी बनी है, फैमिली फिल्म है और पूरी बैलेंस फिल्म बनाई है अरशद सर ने। और अभी लास्ट मंथ इसके गाने रिलीज़ हुए थे, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, गाने हिट भी हुए हैं, तो अब एक्सपेक्टेशन है कि ट्रेलर आने के बाद ट्रेलर भी हिट होगा, अच्छे व्यू आएंगे और फिल्म भी हिट होगी। देखिए बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। थैंक यू अरशद जी, जिन्होंने इतनी मेहनत करके आज हमें बड़े पर्दे तक लेके आए हमें। तो मैं सभी का, आप सभी मीडिया हैं, और क्योंकि मैं प्रोड्यूसर हूँ फिल्म में, तो मैं बिज़नेस की ही बात करूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप हमारा इस फिल्म में साथ दें, हमारा अच्छे से प्रमोशन करें, हमारी मदद करें, ताकि एक क्रॉस कल्चर लव स्टोरी, बहुत लाइट मूड की फैमिली वाली फिल्म अच्छी चल पाए और एक अच्छा मैसेज समाज में आए। रुद्रक्षी जी, आप पूछा ये ना, काफ़ी लंबा एसोसिएशन रहा है और इन्होंने मुझे अलग अलग दो कैरेक्टर निभाने का मौका दिया है। बेहतरीन डायरेक्टर हैं, बेहतरीन फिल्म है, बेहतरीन किरदार हैं इसमें, सारे के सारे जितने भी हैं। एक बड़ी बैलेंस सी फिल्म बनाई है जिसमें सारे रस आपको देखने को मिलेंगे, और न्यू कमर्स को चांस देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है इनकी। ये पोटेंशियल देखते हैं नए कलाकारों के अंदर और उन्हें आगे बढ़कर मौका देते हैं, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं होगा। और मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस फिल्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर दीजिए, ताकि इस तरह की फिल्में आगे आएंगी तो नए कलाकारों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और नई प्रतिभाएँ सामने आएंगी। थैंक यू सो मच। ये इस फिल्म से मेरा वनवास खत्म हुआ है, आई एम सॉरी। थैंक्स टू ऑल जो आप सब यहाँ पे आए हुए हैं सारे लोग। मेरा नाम लियाकत नासिर है और मैं इसमें माता प्रसाद पांडे का एक किरदार कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा अपने सामाजिक वैल्यूओं को लेके चलता है और वो चाहता है कि वो अपने समाज के लिए कुछ करे। और वो किरदार मुझे 14 साल के बाद मिला, मैंने 14 साल इंडस्ट्री में काम नहीं किया, 14 साल का वनवास काट के मैं लौटा हूँ। तो मेरी यही प्रार्थना है कि जैसे भगवान राम का वनवास ख़त्म हुआ था, तो मेरा भी वनवास ख़त्म हो और मैं फिर से अच्छा काम कर पाऊँ। बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही अच्छी फिल्म, बहुत ही मैसेज वाली फिल्म। अगर आप सब ने मैंने प्यार किया को पसंद किया तो आप इसे भी पसंद करेंगे। ये उस लेवल की फिल्म है और बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत फिल्म है। आप लोगों से निवेदन है कि आप इसे अच्छी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएं, आपके हाथ में बहुत कुछ है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। I want to congratulate Ritesh on his expansive award and best of luck on this film. Thank you. Sir, बहुत ज़्यादा आप लोग excited हैं। Sir, आप लोग excited हैं तो हमको बहुत ज़्यादा excited हैं and बहुत खुश हैं कि जिस moment का इंतज़ार था and that is here. So I'm super excited. Thank you so much. मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्रेलर देखा, मुझे उसका टाइटल ट्रैक बहुत पसंद आया है एंड यू नो आई रियली लाइक द फिल्म, आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट पे फिल्म बननी है एंड
kudos to the entire team and huge congratulations to the entire team, the director, the actors, Ritesh ji, who is the associate producer on this project. Abhi, December mein last do songs release hue. I think 2023 mein Vishal sir ki film release ho jayegi, Vishal Pandya ji ki film release ho jayegi. Ek Netflix film hai with Ali Abbas sir. I think that's going to be out. City of Dreams season 3 we have just shot. वो आने वाला है तो हाँ, fingers crossed. Thank you. तो शूटिंग के दौरान ऐसे क्या हुआ था जिसको देखकर या जिस एक्सपीरियंस को देखकर आपको लगा कि ये इम्पॉसिबल लग रहा है? अब कौन से चैलेंजेस आपने फेस किए थे जिसको आपको लगा कि ये मूवी बनाना काफी इम्पॉसिबल लग रहा है बट आपने पॉसिबल करके दिखाया? यूँ तो अगर देखा जाए तो कोई भी फिल्म जब हम बनाते हैं तो उसमें बहुत ही मेहनत लगती है, बड़ा लंबा एक प्रोसेस है. वो शुरू इसीलिए होता है और ख़त्म इसीलिए होता है कि हमें शुरू से लगता है ये पॉसिबल है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है. तो इसमें फिल्म बनाने के दौरान तो हर फिल्म में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन इसमें हमारा जो पहला ही शुरुआत जो हमारी हुई थी प्रोड्यूसर्स के साथ में, कहानी के अप्रूवल के बाद, बजटिंग के बाद, जब कास्टिंग पे बात आई थी तो ये जो मोहतरमा खड़ी हैं अक्षा प्रदसानी, बहुत चूजी हैं स्क्रिप्ट को लेकर के, बहुत सिलेक्टेड फिल्में करती हैं. तो सबसे पहले तो इनसे ही बात हुई, इनको बड़ी पसंद आई कहानी. तो जब आपके एक्टर्स को कहानी पसंद आती है तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है. फिर हमारे बड़े वेल विशर, हमारे सीनियर एक्टर गोविंद जी को बड़ी अच्छी लगी. फिर बाकी जो है वो स्टार कास्ट की जो है वो बाकी चीज़ें, कास्टिंग होने के बाद फिर हमने जब फिल्म शुरू की, सबकी एक मेरी एक कन्विक्शन, किसी एक कन्विक्शन से फिल्म बनती है. वो कन्विक्शन तो बहुत स्ट्रांग थी क्योंकि सिनेमा के अलावा हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, जहाँ पे अनेकता में एकता और यूनिटी की हम बात करते हैं, जितने हमारे पूर्वजों ने, सेंट्स ने, फिलोसोफर्स ने, जितने भी लोग हैं, सबने वही बात कही है. मैंने कोई नई बात नहीं कही है. जो सबने कही है सर्व धर्म संभाव की, या वसुधैव कुटुंबकम की, या अगर हम कहें कि प्रेम ही ईश्वर है और यही एक फैमिली है, दुनिया में एक ही मजहब है जो प्रेम का है, उसी बात को हमने एक नए ढंग से कही है और हमने कुछ नया नहीं कहा. लेकिन इंटरेस्टिंग है, एंटरटेनमेंट को ध्यान में रख के कहा गया है कि कोई किसी कहीं किसी कोई रिलीजियस सेंटिमेंट को कोई हर्ट ना हो किसी को. बहुत ही बैलेंस्ड फिल्म है. आपको मनोरंजन के साथ साथ अपना मैसेज कह देती है और ये कह देती है कि भाई सब एक ही है, कोई अलग नहीं है. तो बड़ा मज़ा आया, इन लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन था फिल्म में. हमारे दोनों एक्टर जो लॉन्च हुए हैं इस फिल्म में, अर्श और रोहित, इन्होंने बड़ी मेहनत की है. जो आपने ट्रेलर में देखा होगा, फिल्म बहुत खूबसूरत है, आपको बहुत मजा आएगा. जितनी जो ट्रेलर में जितना अच्छा लग रहा है, फिल्म इससे भी बहुत ज्यादा अच्छी है. थैंक यू दादा, ऐसा मत करो मेरा आज दिन. बड़ा ही मुश्किल सा सवाल पूछ लिया आपने. फॉर मी लव इज टॉलरेंस एंड काइंडनेस. तो मेरे हिसाब से यही हमने फिल्म में दिखाने की कोशिश की है कि जब प्यार होता है तो ना हम मजहब देखते हैं और ना ही कुछ और मैटर करता है. सोसाइटी मैटर नहीं करती है, आपकी फैमिली मैटर करती है. जो हम ये फिल्म में दिखाना चाहते हैं कि दो लोग जो प्यार करते हैं उनके बीच में मजहब बीच में नहीं आना चाहिए. सो आई थिंक टॉलरेंस ऑफ ईच अदर्स कल्चर्स, टॉलरेंस ऑफ ईच अदर्स हैबिट्स, आई थिंक दैट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ लव. लव को परिभाषित नहीं कर सकते, यू जस्ट फील इट. और जैसे कि फिल्म में भी मैंने अपनी फैमिली वालों को मनाया कि प्यार कितना ज़रूरी है, मज़हब जैसे बीच में नहीं आता है, नहीं आना चाहिए. तो हमने अपनी फैमिली वालों को मनाया कि मैं जो ऐसे बहुत प्यार करता हूँ. कैसे कैसे मनाया वो आप फिल्म में देखेंगे, बट ये आया फिल्म में. तो इट्स जस्ट एन एक्सप्रेशन, यू लव ईच अदर एंड और आप एक दूसरे को समझते हो, एंड बस दैट्स इट. थैंक यू अर्श. मेरा मानना ये है, जब प्यार होता है किसी से पूछ के नहीं होता. क्या बात, और
इंसान किसी जात से किसी धर्म से प्यार नहीं करता, इंसान इंसान से ही प्यार करता है। तो इसी फिल्म में हम वही दिखाना चाह रहे हैं, एक इंसान ने एक इंसान से प्यार किया, किसी हिंदू या मुस्लिम से प्यार नहीं किया। जी प्यार की परिभाषा तो अभी आपने देखी, अभी स्क्रीन पे देखी थी, हैं जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। लेकिन मेरे हिसाब से मैं जो समझता हूँ प्यार की परिभाषा, मेरे लिए प्यार ही जीवन है। बहुत खूब सर। और अनुभव जी ने कुछ? जी जी बिल्कुल सर, आप हम नेता अभिनेता प्रोड्यूसर हैं। थैंक यू। मेरे लिए प्यार कमिटमेंट और विश्वास जीवन में महत्वपूर्ण रहता है, कि आप किसी से कमिटमेंट क्या करते हैं, आप किसी के प्रति, वो एक फीलिंग है, विश्वास की फीलिंग है, कमिटमेंट की फीलिंग है। मेरे लिए प्यार ही ईश्वर है। अर्पित जी के लिए अगर आप इजाजत हो, मैं जीवन में ही जोया से शादी तय हो जाती है। जब जोया और हम बड़े होते हैं, साथ बड़े होते हैं, जब ये बड़ी होती है कॉलेज में जाती है, लेकिन इसे और किसी लड़के से प्यार हो जाता है। तो फिर अब आप शुभनिका में देखिए फिल्म में कि वो शुभनिका किसके साथ करती है, वो शुभनिका किसके साथ करती है। मेरा इसमें बस इसे रोक रहा हूँ फिल्म में, बट वो आप देखिए, रुकती नहीं रुकती। देखिए कहानी नहीं बताई गई है, अगर बताई गई है भूल जाओ प्लीज। ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, होमवर्क करना पड़ता है आपको, फिल्म स्टार्ट होने से पहले बहुत मेहनत करनी पड़ती है, डायरेक्टर्स के साथ रीडिंग्स करनी पड़ती है, मीटिंग्स करनी पड़ती है। लेकिन आई थिंक ये फिल्म में जो मेरा किरदार है जोया, जोया और अक्षा बहुत ही सिमिलर हैं। आई थिंक जो बॉडी लैंग्वेज है, वेयर एज हर वैल्यूज़ आर कंसर्न, जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी वीकनेसेस है, आई थिंक वो मेरे पर्सनल कैरेक्टर से बहुत मिलती जुलती है। एंड आई थिंक वॉट रियली हेल्प्स इज द फैक्ट दैट जब आप अपने डायरेक्टर के साथ आपकी ट्यूनिंग बहुत ही अच्छी होती है, आपका एक कोलैबोरेशन होता है, तो आई थिंक एज एन एक्टर आपकी जर्नी बहुत ईजी हो जाती है। एंड आई थिंक मैंने ये पहले भी कहा है दैट फर्स्ट डे से, जब से मैं अर्शद सर से मिली हूँ, जब उन्होंने मुझे कहानी नरेट की, तभी ही मुझे आई वॉज कन्विंस दैट आई वॉन्ट डू द फिल्म, बिकॉज हम दोनों में बहुत ही अच्छी एज अ डायरेक्टर एक्टर जो केमिस्ट्री होती है वो पहले दिन से ही थी, एंड आई कुड सी इट। एंड मैंने उन्हें बहुत परेशान किया है थ्रू आउट द शूट, मैंने उनको बहुत परेशान किए, बहुत सवाल किए, हमने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग किया कि जोया किस तरीके से बिहेव करेगी। एंड आई थिंक ही वॉज वेरी ओपन एज अ डायरेक्टर टू लेट मी एक्सप्लोर द कैरेक्टर ऑफ जोया। एंड वो ऐसे नहीं थे कि यू नो मैं डायरेक्टर हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा उनका बिहेवियर कभी नहीं रहा है। ही इज़ ऑलवेज बीन वेरी ओपन टू सजेशन, और जो भी मैंने उनको सजेशन दी या मैंने कहा कि मैं ये करना चाहती हूँ, ही वॉज वेरी ओपन टू इट, एंड ही सेड दैट अगर ये हमारी स्टोरी को और हमारे कैरेक्टर को जस्टिस कर रहा है देन यू शुड डेफिनेटली डू इट। सो आई थिंक द क्रेडिट, अगर जोया आपको पसंद आ रही है, आई थिंक इट इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन मी एंड अर्शद सर, एंड आई थिंक all credit to Arshad sir because he has let me play her the way I wanted to play her. To be honest, कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ होने के चांसेस है ट्रेंडिंग वगैरह, और आप इस सब किस तरीके से आप निपटने वाले इन सारी चीजों से? गाना लॉन्च हुआ करीब एक महीने हो गए उसको, तो अभी तक तो ऐसी कोई बात हुई नहीं। हमने एक लव स्टोरी बनाई है और हम यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े, हमें भी पता है हमारे इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं सब करना चाहते हैं। कोई कंट्रोवर्सी की जगह है नहीं फिल्म में, जो फिल्म देख लेगा वो बहुत ही सेटिस्फाइड होकर के निकलेगा। ट्रेलर में कुछ पीसेज होते हैं जो कंटेंट के कुछ पीसेज होते हैं जिनको देख के आदमी अंदाज़ा लगाता है, कोई एक मिस्ट्री होती है जो आप खोल नहीं सकते ताकि लोगों का इंटरेस्ट बना रहे कि थिएटर में वो आए। फिल्म बहुत खूबसूरत है, बहुत ही बैलेंस्ड है, मुझे नहीं लगता किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी होगी, क्योंकि हमारे साथ जो प्रोड्यूसर हैं, मतलब देखिए संधू साहब एक सरदार हैं,
डायरेक्टर एक मुसलमान है और हमारे अनुभव जी जो हैं, जो प्रोड्यूसर और अर्पित जी, ये सनातन धर्म को मानते हैं, तो सब लोग ये एक ही साथ खड़े हैं, तो यहाँ कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, तो मुझे लगता है बाहर भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। गोविंद जी, हम आपको बहुत सालों से देखते आ रहे हैं ऑन द बिग स्क्रीन और छोटे बड़े सभी पर्दों पे। आप मुझे एक बात बताइए, आपको देख के ऐसा कुछ लगा? नहीं सर, मुझे तो नहीं लगा, लेकिन आपको पता है जैसे पठान भी पहले रिलीज होने वाली थी और बहुत सारी चीजें हुई उनको लेके, लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अगर आप, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपको। सर देखिए, म्यूजिक लॉन्च हुआ है, आज ट्रेलर लॉन्च हुआ है, 17th मार्च को मूवी रिलीज है। अब लव जिहाद की जो आप बात कह रहे हैं, ये तो शुभ निकाह है, इसमें तो कोई एक लव स्टोरी है, लव जिहाद की तो कोई बात है। मुन्ना लाल मिश्रा है, जोया फराज से प्यार करता है, जिसको प्यार करना है वो प्यार करेगा, जिसको रोकना है वो रोकेगा, ठीक है, अंजाम क्या होगा ये तो हमें नहीं पता होता, लेकिन हम एक बड़ी ही पॉजिटिव सोच के साथ कोई फिल्म बनाते हैं, और अभी तक का जो भी प्रेजेंट किया गया है, जो चीज़ें लॉन्च हुई हैं, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और अगर ऐसा कोई कंट्रोवर्सी, मतलब हम तो चाहते हैं, हमें किसी कंट्रोवर्सी की ज़रूरत ही, मैंने आपको बोला अभी भी, फिल्म में चाहता हूँ लोग देखें, देखने के बाद फिल्म से कुछ सीखें, कुछ उसको सराहें, आगे जो चीज़ें हो रही हैं उससे तो आप इनकार नहीं कर सकते ना। आज जो है ये मज़हब कहीं बैरियर है नहीं, ये सब मेरे हिसाब से तो सब एक ही हैं, मैं ये मानता हूँ, इसीलिए मैं बना सका हूँ। अर्शद जी, आपने भी ढेर सारी फिल्में पहले भी बनाई, फिल्म को इफेक्ट करता है या एक प्लस पॉइंट साबित होता है उसके लिए? पता नहीं, मुझे तो लगा ये करने से फिल्म को फायदा ही होता है, नुकसान तो कभी हुआ नहीं, क्यों, उनकी पब्लिसिटी हो जाती है, फिर वो फिल्म चर्चा में आ जाती है, जितनी बॉयकॉट करते जाते हैं, जितना उस पर बंदिश लगती है उतना ही वो फिल्म, तो मैं उसको बड़ा निगेटिव मानता हूँ, मेरे लिए मुझे नहीं ज़रूरत है उसकी, मुझे, मैं ये चाहता हूँ लोग पीसफुली फिल्म हमने बनाई है तो लोग देखें, उसको एंजॉय करें, ना कि किसी फालतू की कंट्रोवर्सी में जाके। हमें वैसी कोई पब्लिसिटी के लिए ना ही हमने वो फिल्म बनाई, ना ही हमने किसी ऐसी पब्लिसिटी को कोई टारगेट किया, ना हम ऐसे कोई मीम्स बना रहे हैं, ना ही हम ऐसी कोई पब्लिसिटी कर रहे हैं, ना ही हम करेंगे। ऑन अ लाइटर नोट, अक्षय जी आपसे जानना चाहूँगा, जो करियर का दौर चल रहा है, OTT में बहुत अच्छा करियर, फिल्म आ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रोजेक्ट्स को लेके आप चूजी है या फिर कैसे चुनती है अपने प्रोजेक्ट्स, अगर उस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? मैं अपने करियर में इतनी आगे नहीं पहुंची हूँ कि आई कैन बी एक्सट्रीमली चूजी, बट यस डेफिनेटली मैं ट्राई करती हूँ, मैं बहुत ही इंस्टिंक्टिव पर्सन हूँ, मैं बिल्कुल भी कैलकुलेटेड पर्सन नहीं हूँ, मैं ये नहीं सोचती कि अच्छा इसमें बड़ा स्टार है या बड़ा डायरेक्टर है, या मुझे मेरे किरदार से मतलब है, मुझे फिल्म से मतलब है और मुझे प्रोजेक्ट से मतलब है, तो मुझे माय क्राइटेरिया फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इज़ कि मेरा कैरेक्टर कैसा है और पूरी सीरीज़ या पूरी फिल्म कैसी है और उसके डायरेक्टर कैसे हैं, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन मेनली डायरेक्टर के साथ होता है, और जैसे कि मैंने आपको बताया पहले भी कि मैं डायरेक्टर को बहुत सताती हूँ, अर्शद सर बता सकते हैं, मेरे बहुत सवाल रहते हैं, बहुत मेरे डाउट्स रहते हैं, तो आई डिपेंड कम्प्लीटली ऑन द डायरेक्टर, तो मेरे लिए ये मैटर नहीं करता है कि को स्टार कौन है, मैं ये सवाल कभी पूछती भी नहीं हूँ, सो फॉर मी द ओनली क्राइटेरिया इज माई इंस्टिंक्ट एंड द डायरेक्टर, एंड बाय गॉड्स ग्रेस यू नो जो भी मैंने डिसीजंस अब तक लिए हैं, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर और मैं एक प्रोजेक्ट को एज एन ऑडियंस देखती हूँ, बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन वेरी वेरी लकी दैट आई हैव गॉटन एन अपॉर्चुनिटी टू बी पार्ट ऑफ वंडरफुल सीरीज एंड सम वंडरफुल फिल्म्स, एंड होपफुली फ्यूचर में भी मैं अच्छा काम करूँ और जो भी मैं सिलेक्ट करूँ सबको पसंद आए। बहुत खूब, ने आज उस मुकाम पर सबको लेके आया है, यहाँ पे खड़ा किया है, कहीं ना कहीं वो ऊपर से देख रहे होंगे, इसको बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे, अर्शद जी को बहुत आशीर्वाद दे रहे होंगे। दूसरी बात, हमारे एक भाई, हमारे लाइन प्रोड्यूसर, जिनको हमने अभी पिछले एक हफ्ते पहले, उनका इंतकाल हो गया अचानक, वो भी आज हमारे बीच होते, अगर वो होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो देख रहे होंगे, तो वी मिस यू आलम भाई, मुझे
ये कहते हुए भी बड़ा दुख होता है कि वो जिंदा दिल आदमी आज हमारे बीच नहीं है। और अरशद जी की मेहनत, सारी टीम की मेहनत, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड और आप सभी का आशीर्वाद रहा तो शुभ निकाह होगा, बड़ा जोरदार होगा। ये मुझे यकीन है कि शुभ निकाह जोरदार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब है, जैसे कि आप करता है माँ बाप से, वो बच्चे को बोलते हैं होशियार है, ये कुछ करेगा आगे चल के। तो इनके सवाल बहुत होते थे, इन्होंने भाई इन्होंने कहा कि इन्होंने बड़ा परेशान किया, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे ये लगता था कि यार ये बहुत काबिल है, और इसका सवाल जो है वो बड़ा सीरियसली सुनता था मैं, और मुझे अपने जवाब की तैयारी भी करनी पड़ती थी। जब आप काबिल लोगों के साथ काम करते हैं, काबिलियत की कोई उम्र नहीं होती है, काबिल लोगों के साथ जब आप काम करते हैं और जब आपका एक्टर के साथ इंटरेक्शन होने लगता है, अगर आप उनको सुनना चाहते हैं तो उनका कंट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। मैं ये कोशिश करता हूँ कि वो आज़ादी में अपने एक्टर्स को रखूँ, क्योंकि मैं खुद एक अच्छा टेक्नीशियन अपने आप को मानता हूँ, तो मैं किसी से डरता ही नहीं हूँ कि मैं कोई चीज़ उनके ऊपर एक ऐसा इंप्रेशन डाल के रखूँ कि आप कुछ बोल ही ना पाए, तो फिर वो कलेक्टिव एफर्ट तो हुआ ही नहीं। तो उनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे इसलिए भी ज़्यादा मिला कि मैंने हमेशा उनको वो स्पेस दिया कि वो जो बोलना चाहें बोलें और वो पूछें। तो उन्होंने जितने उनके सवाल थे, उनके सवाल मेरे जवाब, उनके सवाल मेरे जवाब, और इस तरह से ये सफ़र जो है वो चलता रहा। और आज उसका जो इम्पैक्ट है, अक्षय आई एम रियली थैंकफुल टू यू, तुमने जितना मुझे परेशान किया उतना अच्छा काम हुआ, जितने तुम्हारे सवाल थे उतने अच्छे जवाब बने, और फिल्म मेक बिलीव हो रही है वाकई जोया के होने से। बाकी सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि हम फिल्म देख रहे हैं। बाकी ये बच्चे बहुत परेशान हुए हैं मुझसे, ये हर्ष और रोहित, और इन लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है, और उसी का एक ये मिला हुआ रिजल्ट है। खुशी इस बात की है कि मैं हमेशा चाहता था कि मैं एक ऐसी फिल्म बनाऊं क्रॉस कल्चर लव स्टोरीज पे, कि जो कॉलेज से देखा, स्कूल से देखा, जो कॉलेज से देखा, फिर बड़े होके देखा, फिर लाइफ में अभी तक देख रहे हैं, उसमें एक मिली जुली बात हो कि क्या ये हो सकता है। और जब देखा हमने कि ये हो रहा है, कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो जो आज नहीं कर रहे हैं वो कल करेंगे, ये हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है और ये हो रहा है, कुछ गलत नहीं दिखाया गया। अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि ये ट्रू इवेंट से ही इंस्पायर्ड है। दूसरा, मेरी फिल्म में एक बहुत बड़ा मैसेज ये है कि आज इतने सालों से जो ऑनर किलिंग हो रही है वो ख़त्म कर देनी चाहिए, उसका किसी को राइट नहीं है। देर इज नो ऑनर इन किलिंग। ये लास्ट में एक कार्ड मैंने दिया है, भैया जियो और जीने दो यार, इतनी बड़ी दुनिया है, उसमें लोग अलग अलग रंग के, अलग अलग मज़हब के, अलग अलग भाषाओं के सब लोग रह रहे हैं, सबको जीने दो। तो एक मैसेज है, मुझे लगता है कि आप लोग फिल्म को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सक्सेसफुल होने के लिए जितना सपोर्ट कर सकते हैं करें। थैंक यू सो मच।